बहुत कम लोग ही जानते हैं कि ओशो की कहानी को सुनकर विनोद खन्ना संन्यास लेने के बारे में सोचने लगे थे। आइए उठाता हूँ पर्दा एक ऐसी गुमनाम कहानी के बारे में जिन्हें लोग जानना चाहते हैं। अभिनेता विनोद खन्ना के बारे में जब लोगों को पता चला कि उनके सबसे बड़े हैंडसम हीरो ने संन्यास ले लिया है तो उनका दिल धक सा रह गया। शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचकर कोई ऐसा कैसे कर सकता है, लोग सवाल करने लगे। कई लोगों ने उन्हें पागल भी कह दिया और फिर कई तरह की बातें बनने लगी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सबके मन में बस एक ही प्रश्न था, आखिर क्यों विनोद खन्ना ने ऐसा किया? ऐसी कौन सी वजह थी जिससे विनोद खन्ना संन्यास लेने पर मजबूर हो गए? विनोद खन्ना को सन्यासी रूप में देखकर लोगों को सदमा लग गया। कुछ लोग हैरान थे, कुछ लोग उन्हें पागल कहने लगे थे, कुछ ने यह भी कहा कि ये एक नाटक है। विनोद खन्ना ने एक इंटरव्यू में खुद को अपने अंदर हो रही इन उलझनों के बारे में बताया। अभिनेता ने बताया कि कैसे ओशो की कहानी ने उन्हें खुद को जानने के लिए प्रेरित किया और विनोद खन्ना ने संन्यास लेने का फैसला कर लिया। इंटरव्यू में विनोद खन्ना ने बताया, मेरा मन शुरू से ही कुछ और कहता था, मुझे शांति पसंद थी, बचपन से ही साधु संत अच्छे लगते थे। करीबन 8 साल की उम्र से ही मैंने साधुओं के पास जाना शुरू कर दिया था। किसी भी साधु के पास जाकर बैठ जाता, उन्हें अपना हाथ दिखाता और उनकी तरह ही ध्यान में बैठ जाता। जब बड़ा हुआ, कॉलेज गया, ये सारी कहानी एक अतीत बन गई। मेरे अंदर ख्वाहिश जाग उठी कि मैं अभिनेता बनूं। पिता के विरोध के बावजूद मैं बॉलीवुड गया। किस्मत अच्छी थी, सफलता हासिल हुई, फिल्में चल निकली। जब कामयाब हो गया फिर मन में उथल पुथल सी होने लगी। बचपन वापस लौट आया, मैं एक दुकान में गया और मैंने परमहंस योगानंद की मशहूर किताब खरीद ली और फिर उसे पढ़ने लगा। उन दिनों हमारे क्षेत्र के विजय आनंद ओशो से संन्यास ले चुके थे। महेश भट्ट भी ओशो को सुनते बहुत थे, ये दोनों मेरे अच्छे दोस्त थे। उनके साथ मैं पूना आया और ओशो की कुछ कैसेट खरीदे। आश्चर्य की बात, उन प्रवचनों में मुझे उन सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए जो मेरे मन में चलते थे। विनोद खन्ना ने आगे बताया, यह 1974 की बात है, मैं ओशो के शब्दों को तो सुनता रहा जिसने मुझे जिंदगी की सच्चाई से सामना करवाया। फिर दिसंबर 1975 में एकदम मैंने तय किया कि मुझे ओशो के पास जाना है। मैं दर्शन में गया, ओशो ने मेरे से पूछा, क्या तुम संन्यास के लिए तैयार हो? मैंने कहा, मुझे पता नहीं, लेकिन आपके प्रवचन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ओशो ने कहा, तुम संन्यास ले लो, तुम तैयार हो। बस मैंने संन्यास ले लिया। संन्यास लेने के बाद मैं वापस मुंबई आया। लोगों ने मुझे पागल समझा, सब हैरान रह गए, कुछ ने हमदर्दी जताई, लोग तरह तरह की बातें करने लगे, मैंने संन्यास क्यों लिया होगा। कुछ दिन काम करने के बाद मैं फिर फिल्मी जगत से उबने लगा। मैंने बहुत बार सोचा सब कुछ छोड़कर पूना चले जाऊं, वहां जाकर ओशो के आश्रम में रहूं, लेकिन जब मैंने ओशो से इस बारे में बात की तो उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि अभी तुम इसके लिए तैयार नहीं हो। ओशो के आश्रम में रहने की मेरी बहुत तमन्ना थी। फिर एक दिन अचानक ओशो ने कहा, अब तुम आश्रम में रहने के लिए चले आओ। मैं दूसरे दिन ही बम्बई गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपना संन्यास घोषित कर दिया। उस वक्त मेरा करियर शिखर पर था, कई निर्माता मेरे फिल्मों में पैसा लगा चुके थे, मेरे परिवार, मेरे दोस्त सबके लिए बहुत बड़ा सदमा था। सब मुझे पागल कहने लगे, लेकिन निर्माताओं को दिए सारे वादे मैंने पूरे किए, किसी का पैसा डूबने नहीं दिया।